बीएचयू के छात्रों ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, कहा बिहार में लागू हो राष्ट्रपति शासन। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसका विरोध बीएचयू के छात्रों ने किया। छात्रों ने सिंहद्वार पर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूंका और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। छात्रों ने कहा कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती और बहाली के मुद्दे पर नीतीश सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रवैये और विधानसभा शांतिपूर्ण तरीके से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर लाठीचार्ज और उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार के विरोध में हम सभी बीएचयू के सिंह द्वार पर बिहार सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीएचयू के छात्र सुनील मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार में 2 जुलाई को शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी अपना विरोध दर्ज करा रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया और फिर जब शांतिपूर्ण जवाबदेही की मांग कर रहे विपक्ष के नेताओं पर बिहार सरकार ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई और हम उसका विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बिहार में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। अपना नाम बता दें। मैं सुनील मिश्रा, प्रिंस छात्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जिस प्रकार से 2 जुलाई को शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा पटना में सरकार द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया और उसको कल विधानसभा के विपक्ष के नेताओं द्वारा शांतिपूर्वक जवाबदेही का मांग करने पैदल मार्च किए, उस प्रकार बिहार सरकार गुंडागर्दी दिखाते हुए लाठीचार्ज की और एक हमारे बिहार के जहानाबाद के जिला मंत्री जी का हत्या हो गया, उनके हम लोग उनको पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बिहार सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ऐसे गुंडेगर्दी सरकार नहीं चलिए, जंगल राज की सरकार हमें नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ही हम लोग को मांग है कि बिहार में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके जंगल राज को खत्म किया जाए। हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र के बैनर तले, हम लोग किसी पार्टी संगठन के बैनर तले नहीं है।